प्रभात प्यारे बच्चों, आज का हमारा काम जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक से ही लिया गया है और इसका हेडिंग है सात समुद्र। घिर घिर कर बादल छाया है, सात समुद्र भर लाया है। क, पता करो कि सात समुद्र कौन कौन से होंगे जिनसे बादल पानी भरकर लाया है। तो बच्चों, सात समुद्र का हमें जानना बहुत हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो बच्चों, पहला जो हमारा महासागर है, ठीक है, ये देखिए, ये है हिंद महासागर। जैसे कि आपको पता लग रहा है तो ये हिंद, हिंदुस्तान, हिंदी से ही हिंद महासागर है। प्लीज़ आप लोग जो है एक मानचित्र ले लीजिए, मैप ले लीजिए और इन महासागरों को आप उसमें ढूँढिए और निशान लगाइए, ठीक है। अगला है प्रशांत महासागर, तीसरा है अटलांटिक महासागर, चौथा है उत्तरी ध्रुव महासागर, पांचवा है दक्षिणी ध्रुव महासागर, छठा है अरब सागर और सातवां है बंगाल की खाड़ी। तो ये सात महासागर हैं, सात सागर हैं जिनके नाम आपको याद करने बहुत ज़रूरी हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र के पानी से लाते हैं? वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे? आपस में बातचीत करके पता करिए। वैसे तो आप छोटी कक्षाओं से भी पढ़ते आ रहे होंगे, है ना, वाटर साइकिल जिसे कहा जाता है, आप उससे भली भांति परिचित होंगे। आपके ईवीएस में भी ये टॉपिक आ चुका होगा, तो ये वही चीज़ है बच्चों। तो चलिए इसका आंसर समझते हैं। इसका आंसर है हाँ, बारिश के बादल सचमुच समुद्र से पानी लाते हैं। कैसे लाते हैं? सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनकर आकाश में चला जाता है, ठीक है। इसको साइंस में क्या कहते हैं ये मैं आपसे पूछूंगी। वहाँ इकट्ठी हुई भाप धीरे धीरे ठंडी होकर पानी की बूंदों वाली शक्ल ले लेती है, पानी के बूंदों की शक्ल ले लेती है, यहाँ पर हम लगाएंगे की। वही बूंदें बादल का रूप लेकर पानी बरसाने लगती है। इस तरह से एक जल चक्र पूरा होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर तो लिखेंगे ही, समुद्र आप ढूंढेंगे मानचित्र में, समझेंगे, निशान लगाएंगे, सातों के सातों नाम आप याद करेंगे और एक जल चक्र जिसको इंग्लिश में कहते हैं वाटर साइकिल, तो उसको हिंदी में कहते हैं बच्चों जल चक्र। एक जल चक्र का आप चित्र बनाएंगे अपनी कॉपी पर, उससे क्या होगा, आपको समझने में भी आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का काम। चलिए बच्चों, अपना ध्यान रखिए। ओके बच्चों।